शर्म आती है? आप लोगों को जरा से भी शर्म आती है? एक इंसान जो दुनिया छोड़ के चला गया, आप उस पर भी अपनी नफरत परोस रहे हैं? क्या हो गया है इस हिंदुस्तान के लोगों को? ये वही हिंदुस्तान है जहां चाहे अर्थी उठे या किसी का जनाजा, शामिल दोनों मजहब के लोग होते हैं? नहीं, ये वो हिंदुस्तान नहीं है, क्योंकि आज हिंदुस्तान में इतनी नफरत भर दी गई है कि किसी के चले जाने के बाद आप उनको गालियां निकालते हैं। क्या बिगाड़ा है उस इंसान ने आपका? क्या बिगाड़ा था उस इंसान ने आपका? और आज भी मरने के बाद भी क्या बिगाड़ रहा है वो इंसान आपका? किस तरह के माहौल में जी रहे हैं हम, और किस तरह का माहौल बना रहे हैं हम? किस तरह का हिंदुस्तान है ये? ये मेरा हिंदुस्तान नहीं है। सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये शायरी, ये अल्फाज उस इंसान के हैं जिसके लाखों चहीते हैं। वो जब बोलते थे तो जहां भगवान दिखता था वहीं अल्लाह भी नजर आ जाता था। एक अजीब सी खुशी होती थी जब उनकी शायरी सुनते थे, लेकिन आज वही अजीब सा गम है मन में कि राहत इंदौरी साहब इस दुनिया को, हम सब को, अपने हर चाहने वाले को छोड़ के चले गए हैं। यकीन नहीं होता जिन्होंने आज सुबह जाने से पहले ये कहा था कि मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है और मैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जा रहा हूँ और मैं बिल्कुल ठीक होकर वापस आऊँगा, और आप लोगों से फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए बात करता रहूँगा। लेकिन सुबह से लेके शाम और बिल्कुल सब कुछ बदल गया। वो इंसान जिसके लिए हम दुआएं मांग रहे थे, वो इंसान जिसके लिए सुबह से एक हिंदू अपने भगवान के आगे बैठा था और एक मुसलमान अपने अल्लाह के सामने बैठा था और लगातार दुआ कर रहा था कि बस वो ठीक होकर वापस आ जाए, और हमें पूरी उम्मीद थी कि वो ठीक होकर वापस आएंगे। लेकिन शाम आते आते जब वो मनहूस खबर सामने आई तो दिल टूट गया। ऐसा लगा कि जैसे हमने किसी अपने को खो दिया। ऐसा लगा वो जो आवाज़ बुलंद थी ना सिर्फ अपने लिए पर इस देश के हर उस इंसान के लिए जिसकी अपनी आवाज़ नहीं थी। वो बोलते थे, वो हंसते थे, वो अपनी बात रखते थे, और उन्हीं बातों के ज़रिए वो सबको वो बताते थे जो शायद अब इस देश का नौजवान समझना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। आज उनकी मौत की खबर के साथ जहां लाखों लोगों का दिल टूट गया, वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद जब पैदा हुए थे तो नफरतें लेके ही पैदा हुए थे, और आज भी उनके घर, उनके मन में, उनकी सोच में, उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ नफरत है। और वो नफरत है किसी के भी मुसलमान होने से। जी हाँ, ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि जब राहत इंदौरी साहब का इंतकाल हुआ और उनकी ये न्यूज़ आई, जब मैंने अपना ट्विटर खोला उनके लिए कुछ लिखने के लिए, उनके लिए अपना दुख प्रकट करने के लिए, तो जहाँ एक तरफ जिसको आधा हिंदुस्तान या अपोजिशन पप्पू बुलाती है, हमारे राहुल गांधी जी जो हर किसी के दुख में शरीक होते हैं, जो हर किसी के दुख को समझते हैं, जो हर किसी की इज्जत करते हैं, हर किसी को प्यार करते हैं, एक तरफ उन्होंने ट्वीट किया उन्हीं की शायरी के साथ, और दूसरी तरफ वो लोग जो नफरतों के साथ जी रहे हैं,
जिनके मन में जहर भरा हुआ है, वो ऐसे ऐसे ट्वीट लिख रहे हैं, वो उन्हें गालियां दे रहे हैं, वो उन्हीं की शायरी को ये कह के कि उनको कोरोना हो जाए और वो मर जाएं, ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं। आप जीत गए, वो सचमुच चले गए दुनिया छोड़ के, क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश में प्यार से ज़्यादा नफ़रत ने जगह ले ली है, और आज यही हुआ, हमारा प्यार हार गया और आपकी नफ़रत जीत गई, इसीलिए शायद आप बहुत खुश हैं कि वो चले गए। लेकिन आप ये भूल गए कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, जब मैं मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। आपके लिए राहत इंदौरी साहब एक मुसलमान होंगे, लेकिन राहत इंदौरी साहब के लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुस्तानी थे। आज भी जब हमारे धर्मों में, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुसलमान धर्म हो, उसमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि जब कोई मर जाता है, जब किसी का इंतकाल हो जाता है, तो उसको वो इज्जत और प्यार दोनों चीज़ों का हकदार होता है। हमें उसके लिए गलत शब्द नहीं निकालने चाहिए। और आज हमारे देश के नौजवान, आज हमारे देश के लोग जिन्हें नफ़रतों से पाला जा रहा है, वो राहत इंदौरी जैसी आत्मा के साथ उनके लिए भी इतनी गलत गलत बातें लिख रहे हैं। तकलीफ़ हो रही है उनके जाने से भी, और इस देश के नौजवानों के नफ़रत भरे इन ट्वीट से भी। बस इतना ही कहूँगी, आप जहाँ भी हैं राहत इंदौरी साहब, एक अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे, वहाँ से भी आप हमें एक रोशनी दिखाएं, इस देश के नौजवानों को रोशनी दिखाएं। जो अल्फाज आप बोलते आए थे जो इन्होंने नहीं समझे, शायद जब आप ऊपर से वो रोशनी दें तो शायद इन लोगों के मनों में प्यार के दिए जग जाएं। हम आपको बहुत याद करेंगे, हम कल भी आपको बहुत प्यार करते थे, हम आज भी आपको बहुत प्यार करते हैं, और हम कल भी आपको प्यार करते रहेंगे।